अलगूम कैसे हैं आप सब आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप लोगों का आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर से बहुत अच्छा सीखा होगा है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पता चलूँ आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ definitions के अबाउट और उनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हमारे जो लेक्चर में आ जाएगा वो हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह ऐसे करेंगे उनके बारे में वेरिफिकेशन करेंगे बाकी जो हमारे प्रीवियस एक्सर्स के क्वेश्चन रह गए हैं और उनकी थोड़ी बहुत डिटेलमेंट चैकिंग हैं वो थोड़ी डिटेल के साथ वीडियो आएगी तो वो इनशाला नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लिया जाएगा तो हम लोग आ जाते हैं वेरिएशन अब वेरिएशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू थिंकिंग के हमारे लिए वेरिएशन क्या होती होगी हम वेरिएशन को कैसे यूज़ करते होंगे और वेरिएशन बना कैसे अब आप एक चीज़ यूज़ करें कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है जैसे आप बोलते हैं तो आपकी बोलने की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है एक पिच होती है उस पिछ उस पी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो पिच और जो वॉल्यूम रिलीज होता है वो भी आपके अंदर एक वेरिएशन के थ्रू होता है क्योंकि आप जब बोल रहे होते हो तो आपके वॉल्यूम का जो लेवल होता है उससे आपकी फ्रीक्वेंसी का अंदाजा लगाना ये सारा कुछ वेरिएशन के काम में आ जाता है ये अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आ जाता है वैसे वेरिएशन क्या होती है वेरिएशन ये होता है कि अकॉर्डिंग टू साइंस इसे फ्रीक्वेंसी के अंदाजे के लिए लगाया जाता है और इसमें दो तरह कह जाती है एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है यानी कि जब आप बोल रहे होते हो और आपके पास कोई बैठा सुन रहा होता है और एक इंडायरेक्ट वेरिएशन होती है इंडायरेक्ट वेरिएशन कौन कौन से होते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी आप इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है इंडायरेक्ट का मतलब आप लोगों के मुताबिक जब डायरेक्ट है सीधा सुनना बिल्कुल डायरेक्ट सुनना और इंडायरेक्ट यही होता होगा कि मतलब आप इनडायरेक्ट सुन रहे हैं यानी कि आप बिल्कुल सीधा नहीं सुन रहे आपको वर्ड वर्डाई दे रहे हैं जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे उसके बाद जब मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ तो मुझे उसकी लॉजिक्स की उससे चीज़ों की समझ आ रही है तो वो मुझे डायरेक्ट क्लियरली बात कर रहा है कि मतलब तो यार में, मुझे ये ये इशू है और ऐसे ऐसे है कुछ लोग होते हैं जो वर्डिंग्स को स्किप करके बात करते हैं लाइक like किसी को कोई काम होता है तो वो इस तरह स्किप करके बात करते तो हैं वो इनडायरेक्ट बात कर रहे होते हैं वो इनडायरेक्ट बात कैसे कर रहे होते हैं क्योंकि आपको उनकी आधी वर्डिंग की समझ आ रही होती है आधी की नहीं आ रही होती क्योंकि उनका उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कभी लो हो रही होती है कभी हो रही होती है लाइक स्टेक्चर्स में ऐसे हो जाता है कि कोई लेक्चर इतना जो होता है वो हाई पिच का होता है कोई उतना ही लो पिच का होता है ठीक है अब ये तो होगी बात वेरिएशन पे अब वेरिएशन के अलावा ये तो बात होगी वेरिएशन पे अब वेरिएशन के अलावा इसके आगे से दो टाइप्स भी हैं डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन मैंने इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में आपको तो थोड़ी से डिटेल में बता दिया है कि वो क्या होता है ठीक है अब मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ कि क्या है कि द वर्ड वेरिएशन इज फ्रिक्वेंसी टी यूज इन ऑल साइंस देर आर टू टाइप्स कि मैंने आपको बताया कि ये फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी कैसे फ्रीक्वेंसी है लाइक like जब आप बोल रहे होते हैं जब आप कोई ड्रम बजाते हो तो उसके पीछे से भी एक आवाज़ जनरेट होती है जब एक फाइन ऑन होता है तो उसके अंदर से भी आवाज़ निकलती है ठीक है इसी तरह जब कुछ चलता है या कुछ भी इस तरह का म्यूजिक जनरेट होता है तो उसके अंदर से कोई ना कोई आवाज़ जनरेट होती है कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है कोई ना कोई पिच जनरेट होती है जिस ये सारा कुछ वेरिएशन में आ जाता है और वो कुछ पिचज़ जो होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट होती हैं अब हमें ये भी नहीं पता कि डायरेक्ट पिचेस कौन से होते हैं इनडायरेक्ट पिचिस कौन सी होती हैं ये जो बच्चे जिन्हें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या जो बच्चे फिजिक्स के साथ पढ़ रहे हैं ऐसा तो मैट्रिक में फिजिक्स ही के साथ पढ़ा जाता है लेकिन फिर भी आपको अगर आपके टीचेस इन डिटेल में बताया हो तो आपको पता होगा डायरेक्ट वेरिएशन और इंड वेरिएशन कहाँ पे आ क्या होते हैं उनके फिजिक्स में फिजिक्स में इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है अकॉर्डिंग टू मैथ इसमें इतना डिटेल से नहीं है लेकिन फिजिक्स में इतना बहुत डिटेल्स है क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर ही फ्रीक्वेंसी कॉन्टेक्ट जो है वो कलेक्ट करते हैं हम मैथ के अंदर भी करते हैं लेकिन वो मैथड कुछ और होता है फिजिक्स के अंदर मैथड कुछ और हो है क्योंकि उसमें हम वॉलीम का किसी भी चीज़ के वो, वो, से आवाज जनरेट होने का और हर किसी की फ्रिक्वेंसी को देखते हैं तो ये सारा कुछ हम उसमें सीखते हैं इसके अलावा मैं अपने लेक्चर का शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ आप लोगों ने परेशान नहीं होना कुछ स्टूडेंट्स ये भी देख के परेशान हो जाएंगे कि मैम ने क्वेश्चंस कुछ स्किप कर दिए थे तो वो हम लोग कैसे करेंगे तो आप लोग इन्हें परेशान नहीं होना उन क्वेश्चंस की इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो आएगी वो दरअसल ये हुआ है कि वीडियो तो मैंने बनाने नहीं थी बट ये हुआ है कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनकी कुछ और कुछ डिटेल बहुत ज़्यादा है जो कि मुझे एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लेना था तो मुझे एक प्रॉपर टाइम चाहिए था ताकि मैं आप लोगों को आराम से आप लोगों को उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ इसलिए मैं आप लोगों को इसके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी उन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं ठीक है हम थ्री पॉइंट वन का जो प्रीवियस क्वेश्चंस रह गए हैं और थ्री पॉइंट टू के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक साथ करेंगे और उस एग्जाम्पल्स जो है हम लोग आज करेंगे थ्री पॉइंट टू की और साथ साथ हम लोग कुछ नया सीखेंगे भी और कुछ नया जानेंगे भी इसके अलावा हम लोग इसमें यह सीखेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं डायरेक्ट और तो इनडायरेक्ट स्टार्ट तो करने से पहले मैं आप लोगों को पता चलूँ वेरिएशन की रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स अब आप लोग रेडियोज़ यूज़ करते होंगे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एफ यूज़ करते होंगे गाड़ियों के अंदर अक्सर आप लोग रेडियो वगैरह का यूज़ करते हैं आप तो वैसे भी एडवांस हो गया आप तो ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप लोग ब्लूटूथ की एग्जांपल ले सकते हैं तो देखिए आपका जो मोबाइल होता है वो विदाउट वायर उसके साथ कनेक्ट होता है विदाउट वायर कन्टेक्ट होता है उसके अंदर कौन से ऐसी रेज होते हैं कौन से ऐसी पिच होती हैं कौन से ऐसे लेवल की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसके थ्रू वो वो उसके साथ कनेक्ट होता है ये सारा कुछ भी हम वेरिएशन के थ्रू से सजेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास कौन से ऐसी वेरिएशन अप्लाई हो रही होती है कौन सी ऐसी फ्रिकवेंसी अपलाई होती है जिसके थ्रू हमारा जो मोबाइल बजे तक कनेक्ट हो जाता है और आप लोग अक्सर नोट भी करते होंगे कि कुछ जगहों पर कुछ गाड़ियों पर हमारा मोबाइल कनेक्ट नहीं होता उसके अंदर कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही होती है कौन सी ऐसी पिच यूज़ हो रही होती है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल साथ कनेक्ट नहीं हो रहा होता ऐसा कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारी वेव्स की वेव्स के साथ कनेक्शन नहीं कर पा रही होती हैं सारा कुछ हम लोग आज इसमें सीखेंगे हम लोग इसमें बहुत सी चीजें जानेंगे भी और आई होप सो आज का आपका लेक्चर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के लेक्चर में आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यह मेरा फेवरेट टॉपिक है फेवरेट भी है और मुझे बहुत मजा भी आता है इसे पढ़ाने में और सबसे मजे की बात यह है मुझे हर वीक इंतजार रहता है कि मैं किस दिन आपके साथ आपके साथ लेक्चर टाइम स्पेंड करूँगी आप लोगों को लेक्चर दूंगी और आप लोगों को नई सी नई चीज़ों से, से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तो बात सर ये होती है कि मैथ पढ़ाना बहुत आसान काम है मतलब तो आप आओ आप सवाल हल करवाओ और आराम से चले जाते हो बट बात ये होती है कि एक स्टूडेंट को मैथ की समझ आना कितना आसान मुश्किल काम होता है ठीक है ये वीडियोस स्टूडेंट्स ही मोस्ट वॉच करेंगे टीचर्स तो बहुत कम देखते हैं क्योंकि टीचर्स का लेवल वाकई ही बहुत हाई होता है लेकिन फिर भी अगर कभी किसी की सिस्टर या बहन या कोई भी तो मैं एक ही चीज़ आप सबसे कहूँगी कि अपने आप के टीचर खुद बने क्योंकि अगर जब आप खुद को खुद ही टीच करवाते हैं तो आपको जो चीज़ें एक टीचर चीज़ की लैंग्वेज में समझनी आ जाती हैं वो आपको अपनी लैंग्वेज में समझ आ जाती हैं तो मैं फिर इससे बातों में लगी जो कि मैंने कहा था कि आज मैंने कोई बात नहीं करनी है तो हम लोग आ चुके हैं डायरेक्ट वेरिएशन की तरफ इफ़ टू क्वान्टीज आर रिलेटेड इन सच अ वे डेट इंक्रीज इन वन क्वान्टी काजिस इंक्रीज इन द अदर क्वान्टिटीज दैन दिस वेरिएशन इज कॉल डायरेक्ट वेरिएशन अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि इंक्रीज है और ब्रैकेट में डिक्रीज लिखा हुआ है अब इन्होंने यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास दो क्वान्टिटीज होती हैं ठीक है लाइक like, एक आपके पास गाड़ी का ब्लूटूथ है और एक आपके मोबाइल का ब्लूटूथ है दो क्वान्टिटीज़ हैं अब जब आप दोनों का ब्लूटूथ ऑन करोगे तो दोनों की वेव जो वे हैं वो आपस में टकराती हैं वो कैसे टकराती हैं लाइक like, एक ये ब्लूटूथ है ठीक है उसकी वेव्स यूं आ रही हैं ठीक है ये आप इमेजिन कर लें ये कार का ब्लूटूथ है ठीक है और एक आपका ब्लूटूथ है उसकी वेव्स यू आ रही हैं ठीक है ठीके? तो ये वेव्स यहाँ पे एक दूसरे से टकरा के मूव करेंगी ठीक है इनका आपस में टकराव होगा ठीक है तो जब दो क्वांटिटीज जो वेव्स होती हैं वो आपस में इंक्रीज होती हैं यानी कि ये इंक्रीज ही हो रहे हैं ना कि एक वेव आपना ब्लूटूथ है ब्लूटूथ अपना वेव ए, जनरेट करिए कि वो कितने वेव्स तक कितनी फ्रीक्वेंसी तक वो जा सकती है और अक्सर आप लोग नोट करते हैं कि आपके पास अगर तो कि किसी ने ब्लूटूथ फोन किया होता है तो आपकी मोबाइल पर उसकी डिवाइस शो हो रही होती है कि यार इस बंदे का भी क्योंकि तो आप उसके पिच एरिया के अंदर खड़े होते हैं जब आप उसके पिच एरिया के अंदर मौजूद होते हैं ना तो फिर बाद में आपको उसका वो डिवाइस शो हो रहा होता है अगर आप उसके पिक्च एरियर से बाहर होंगे तो आपको कभी भी उसकी डिवाइस शो नहीं होगी तो ये सारा कुछ उसके वे पर डिपेंड करता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना रास्ता लेती है खुद की जो वेव्स होती हैं खुद की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें मूवमेंट करवाने में उसका जितना बड़ा रास्ता होगा उतनी ज्यादा जो होती है ना वो मूवमेंट करती जाती है तो इसी तरह जो होता है ना अक्सर हम लोग ना जो होते हैं कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं लाइक like अगर आप किसी के साथ इन टच बात कर रहे हैं वाईफाई के आप पास खड़े हैं तो आप अक्सर नोट करेंगे कि जब आप वाईफाई के बिल्कुल पास खड़े होते हैं तो आपकी वाईफाई की स्पीड इतनी फास्ट होती है इतनी फास्ट होती है कि आपको हर एक चीज़ लेके लेकिन अब आप जब उससे इतने किलोमीटर दूर चले जाएंगे जहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी का वन पॉइंट आ रहा होगा क्योंकि वाईफाई के अंदर ऐसे साइन बने होते हैं ना तीन चार बन के छोटे छोटे बने होते हैं तो जब वो छोटे छोटे से साइन आ रहे होंगे वो छोटी छोड़ छोटी सी फ्रिक्वेंसीज आ रही होंगी और वो सिर्फ़ एक पिच रह जाएगी ओनली ए पॉइंट रह जाएगा फिर आपकी जो आवाज़ होती है वो बंद होना शुरू हो जाती है आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आपके साथ इस तरह होता है कि आपके वन पॉइंट आ रहा होता है या आपके जो वो एरोज इस तरह करके बने होते हैं एक ऊपर को बना होता है और एक नीचे को बना होता है ये एरोज की लाइट जो होती है वो बंद हो जाती है तो आपके जो सिग्नल्स वीडियोज बाकी जो सब कुछ होता है वो अचानक से ही स्टॉप हो जाता है तो ये सारा कुछ हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा होता है हम लोग अपनी अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर लोग बोलते होते हैं कि हमने इतनी जो ना इतने एम बी का जो है वह नेट लगवाया है अच्छा ये तो एम बीज नेट जो होते हैं वो मोबाइल पे लगते हैं और जो वाई फाई पे होता है ना उधर वो ना स्पीड डिसाइड करते हैं कि कितनी स्पीड का होना चाहिए ट्वेंटी स्पीड होना चाहिए थर्टी होनी चाहिए फाइव होनी चाहिए मुझे एग्जैक्ट वाई फाई, -फाई, -फाई की स्पीड नहीं पता लेकिन मतलब तो इस तरह की स्पीड हैं, 25 होती हैं ट्वेंटी फाइव होती हैं फोर्टी फाइव होती हैं तो वह जितनी स्पीड बढ़ती है ना जितनी स्पीड ज़्यादा करवाते हो आप उतनी आपका जो दायरा होता है ना उस वाई फाई का वो बढ़ता जाता है तो उस वजह से फिर आप उस दायरे के अंदर जब आप रहते हैं ना तो आपको जो होता है ना आपका जो वाई फाई वो बिल्कुल सही चलता है लेकिन जब दायरे से बाहर निकलते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाता है लाइक like इसी तरह अक्सर आप लोगों ने माओ को एग्जाम्पल देते हुए सुना होगा अपनी औकात में रो ना तो तुम सीधे रहोगे अपनी औकात से बाहर जाओगे तो इस तरह ही जूतियाँ खाओगे तो वो फिर यही वाला हाल होता है कि जब वाई फाई के औकात में रहते हैं तो फिर वाई फाई भी ठीक चलता है जब आप उसके औकात से बाहर जाते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाता है तो आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी ये लैंग्वेज बुरी लगी हो लेकिन मैंने सिर्फ जनरल एग्जाम्पल दिया ताकि सबको समझ आ जाए तो ये सारा कुछ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी में डिपेंड कर रहा है तो आप जो डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी होते हैं वो इस तरह की होती है कि मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है आपकी भी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरे की भी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि देखिए जब आपने एक मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपके मोबाइल भी तो कोई रे इफेक्ट करेगी ना जब आप रेज इफेक्ट करेगी वो जो रेज निकलेंगी उस साथ जाकर रेस कनेक्ट होंगी तो वो जितनी भी रेज होंगी वो इफेक्ट हो रही है तो वो सारा कुछ डायरेक्ट वेरिएशन में आ रहा है क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं आप इसमें किसी भी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं ठीक है अब एक मोबाइल है वो दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है आपने कोई वायर तो नहीं ना लगाई आपने ब्लूटूथ यूज किया मोबाइल का यूज़ किया आपने कोई वायर यूज नहीं किया अब इनडायरेक्ट कनेक्शन के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी ये सारा कुछ हो जाता है ये डायरेक्ट में आ जाता है कि आप डायरेक्टली काम कर रहे हैं आप उसके अंदर किसी भी थर्ड पर्सन को किसी भी थर्ड चीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वह डायरेक्ट वेरिएशन आ जाती है वो डायरेक्ट रिलेशन इसलिए आ जाती है क्योंकि आप सिर्फ उसी चीज से काम कर रहे होते हैं आप उसके अंदर उसके अलावा किसी और को नहीं शामिल कर रहे होते हैं okay. बाद उन्होंने हमें आगे कहा इन अदर वर्ड्स इफ द क्वांटिटी वाई वेरियसली डायरेक्टली विद द रेगेड टू द क्वांटिटी एक्स वी से वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इज रिटन बाय वाई डायरेक्टली ये डायरेक्टली का सैंपल है ये आपने रिमेंबर रखना है यूं करके ठीक है तो हम जब भी हमें डायरेक्टली का सैम्पल खत्म करना होता है ये बात आपने हमेशा याद रखनी है तो हम एक कॉन्स्टेंट लेते हैं वो कॉन्स्टेंट आप के ले सकते हैं एक्स ले सकते हैं सी ले सकते हैं बी ले सकते हैं वो कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं यहां पे इन्होंने के कॉन्स्टेंट लिया क्योंकि एक्स और वाई जो है वो उन्होंने वेरिएबल्स लिए हुए हैं तो उन्होंने कॉन्स्टेंट के ले लिया ठीक है तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट आ गया हमारे पास की वैल्यू आ गया तो हमेशा हमने याद रखना कि जो आप लेंगे वो कभी भी जीरो नहीं होगा ठीक है एक चीज ये हो गई उसके बाद अब आप लोग ये देखेंगे इन्होंने अब हमें हमारी डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है द साइन डायरेक्टली दैरियस वेरियस वेरिएशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि ये वेरियस कर रहा है उससे वेरी कर रहा है ये चीज उससे वेरी कर रही है यानी कि उसके प्रोपोर्शनल है इस कार्ड the sign of proportionality or variation, while it is known as constant of variation. Faster speed of car, longer the distance is covered. The small the radius of the circle, smaller the uh, circumference is. अब देखो, अगर आपका एक circle small है, तो उसका circum circumference भी इतना ही small होगा, ठीक है? आप एक गाड़ी की speed जितनी बढ़ाओगे, आपका distance उतनी जल्दी कवर होगा। अब जैसे आप यहाँ से जो है आप यहाँ पे एट्टी की स्पीड से सयालकोट जाओ नारोवाल से एट्टी की स्पीड से सयालकोट जाओ तो जो आपको वन ट्वेंटी या वन फिफ्टी की स्पीड पे जो आप थर्टी मिनट में पहुंचोगे वो आप एट्टी की स्पीड पे एक दो घंटे में पहुँचोगे ठीक है इसी तरह हमारी स्पीड डिपेंड करती है कि हम कितने घंटों में कितना सफर तय करते हैं अक्सर जो होता है ना अक्सर लोग कहते हैं यार इतना टाइम तो नहीं लगता इतनी जल्दी तो वो उनकी जो स्पीड लेवल होता है आप उस चीज़ को करें आप यह ना देखा करेंगे यार ये इतनी जल्दी कैसे आ गया मैं तो उसी टाइम पे आई थी मैं लेट हो होगी आप स्पीड लेवल को जब जज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड और उसकी स्पीड में फर्क होने की वजह से वो जल्दी फासला कवर कर चुका है और आप जल्दी फास्ता कवर नहीं कर सके इसके अलावा यही चीज़ आ जाती है कि जब आप किसी भी जगह पर बाय ट्रैवलिंग के लिए या कुछ भी ऐसे वॉकिंग के लिए जाते हैं तो अक्सर लोग जो स्टार्ट में रनिंग के लिए जाते हैं या स्टार्ट में वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है और जो बहुत अरसे से कर रहे होते हैं उनकी स्पीड फास्ट होती है वो हर काम अपना फास्टली करते हैं ऑन द टाइम करते हैं ऑन द टाइम खाते हैं ऑन द टाइम पीते हैं लेकिन जो न्यू आए होते हैं उन्हें डाइट पर आने में उन्हें खाने पीने में वो सारा कुछ रिजर्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उन्हें उस चीज़ की जो होती है उस स्पीड की आदत हो चुकी होती है लेकिन जो न्यू मेम्बर्स आए होते हैं उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं होती है तो यहाँ पे भी हम वेरिएशन यूज करते हैं ठीक है थीके? कि जितनी स्पीड होगी उतनी जल्दी डिस्टेंस कवर होगा जितनी स्पीड अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस में भी टाइम लगेगा इस तरह के सर्कल जितना बड़ा होगा जितना नेटवर्क बड़ा होगा उतना ही उसका सर्कम यानी कि उसके अंदर लोग जो हैं वो ज्यादा होंगे लेकिन जितना नेटवर्क छोटा होगा उतना ही उसके अंदर लोग थोड़े होंगे इसके अलावा ये चीज आती है आप एक सोसाइटी पे डिपेंड कर लेते हैं लाइक एक बिल्डिंग है उसके अंदर पचास घर हैं ठीक है अब जो पचास घर हैं पचास के पचास घर हैं तो ऑब्वियसली वो रेंट पे हैं तो जब रेंट पे हैं तो ऑब्वियसली वो सारे फुल होंगे ठीक है तो वहां पे उस पचास घरों में पचास फैमिलीज रहेंगी पचास से ज्यादा तो नहीं ना स्टे कर सकती एक घर में चलो दो फैमिलीज भी रह लेती हैं लेकिन वो उनकी फैमिली है और मतलब कोई और तो उन फैमिली उनके साथ नहीं ना आके रहती उनकी अपनी फैमिली रहेगी उनके अपने मेम्बर्स रहेंगे तो वो पचास है वो पचास ही काउंट कौन, होंगे उनके घर के अंदर जाके नहीं बुस जाएगा कि भई तुम्हारे भाई के कितने बच्चे रह रहे हैं और उसके कितने वो उन्हीं को काउंट करेंगे टोटल कि इस इस घर में इतनी लोग रहते हैं इस घर में इसकी फैमिली कितने पर्सन है इसकी फैमिली कितने पर्सनज हैं तो वो एक फ़िफ्टी फैमिलीज़ का फ़िफ्टी हाउसेज होंगे ठीक है इसी तरह उनका उतना ही सरकम होगा उनका उतना ही एरिया कंज्यूम होगा कि यहाँ पर फिफ्टी गर्ल्स है और फिफ्टी के फिफ्टी फुल हैं इसी तरह जब आप किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं लाइक उसके सिक्सटी सेवन फ्लोर हैं सिक्सटी एट फ्लोर हैं सिक्सटी फाइव फ्लोर्स हैं इन्फिनिटी फ्लोर हैं तो वहाँ पे इन्फिनिटी लोग पाए जाएंगे तो वो फिर उनकी इन्फिनेटी फैमिलीज होंगी लाइक ये नहीं कहेंगे कि हम के यार फलाने के घर में इतने लोग रहते हैं उसके कमरे में इतने लोग रहते हैं सो मैनी पीपल्स डिप देर सो मैनी डिप देर हमारी काउंटिंग में जो हमारे पास डाटा रिजर्व होगा ना वो यही होगा कि एक घर में जो है पांच अफराद हैं और उसका एक सरबरा है अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा जब आप कम्बाइंड फैमिली में रहते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपके दादा आपके सर भरा मतलब जब के ग्रैंड पा होते हैं ठीक है और इसी तरह जब आप कहीं भी फ्लैट एरिया में जाते हैं वहां पे आपके बाबा या आपके भाई होते हैं जो आपको एजा वो दे रहे होते हैं अब जिस तरह आप हॉस्टल में रहने जाते हैं एक हॉस्टल रूम में चार लड़कियां रहती हैं ठीक है फोर बेड्स होते हैं तो वो फोर लड़कियाँ और कुछ हॉस्टल्स में सिक्स बेड्स होते हैं तो उस हिसाब से रूम सेटिंग की जाती है कि मतलब इतने लोग यहाँ पे रहेंगे और इतने लोगों की यहाँ पे शिफ्टिंग होंगी तो अगर आप बाय बेडिंग काउंटिंग की जाए तो फिर वो कितने बेड्स होंगे और अगर बाय रूम्स काउंटिंग की जाए तो वो कितने रूम्स होंगे अगर बाय रूम्स देखा जाएगा तो फिर वो उस रूम्स के हिसाब से कहेंगे कि आल रूम्स इज फुल एवरी थिंग इज बुकिंग लेकिन अगर बेड्स के हिसाब से किया जाएगा फिर वो चेकिंग करेंगे कि किस रूम में कौन सा बेड खाली है ठीक है ये चीज़ें जो होती हैं ये डिपेंड करती होती हैं क्योंकि हमने एक वेरिएशन देखनी है हमने एक फ्रीक्वेंसी देखनी है कि कहाँ पे किस चीज़ के डिपेंड करिए आप लाइक अगर आप एक विंडो बनाते हैं ठीक है ए, हवा की मूवमेंट वगैरह के लिए ठीक है अब जहाँ पे वेदर बेस्ट होता है ठीक है वेदर बेस्ट है खुला हवाए लाइक खुला एरिया है आस पास घर नहीं है अक्सर विलेज एरियाज में आस पास घर नहीं है खुला एरिया तो आप अक्सर नोट करेंगे वहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं मतलब वहाँ पे वेदर जो होता है वो गर्मी में भी थोड़ा बहुत हवाओं का मौसम रहता है कि मतलब इंसान को थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग फील होता है लेकिन आप सिटी एरिया में देखें तो वहाँ पे इतनी ट्रीज नहीं होते हैं इतना ज़्यादा वो नहीं होता खुला प्लेस नहीं होती है जहाँ पे आप लोग आराम से रहो आप पार्किंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इतनी रिलैक्सिंग होती है लेकिन आपको वैसे घर में नहीं मिलती है जो आपको एक विलेज एरिया में मिलती है क्योंकि विलेज एरिया में ये होता है कि घर खुले खुले होते हैं एक ग्राउंड एरिया होता है आप आराम से वहाँ पे वाक वगैरह कर सकते हैं लाइक अक्सर लोग जो होते हैं वो फार्म हाउस वगैरह पे जाते हैं तो वो जब आपकी जगह चेंज होती है जब आपका एरिया चेंज होता है तो आपका सरगम फ्रांस भी चेंज होता है आपका बिहेवियर भी चेंज होता है आपका मूड भी चेंज होता है हर एक चीज चेंज होती है क्योंकि हर चीज़ डिपेंड अब इसमें उन्होंने हमें एग्जाम्पल में क्या कहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस डी ऑफ आर बॉडी फॉलिंग फ्राम रेस्ट वेरिएशन डायरेक्टली द स्केयर ऑफ टाइम टी निगलैक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड एफ डे सिक्सटीन टाइम वन सेकेंड और हमारे पास जो रिलेशन है वो डी ओ टी है उन्होंने कहा है कि हमारी एक बॉडी है ठीक है वो डिस्टेंस जो है रेस्ट पे थी ठीक है फिर उन्होंने डिस्टेंस जो फाइंड किया वो स्केयर के हिसाब से किया लाइक like मैं आपको बताती हूँ आप रात सोए पांच घंटे आपकी बॉडी रेस्ट पे रही ये इमेजिनेग्जाम्पल नहीं imagination है इमेजिनेशन है ठीक है पांच घंटे आपकी बॉडी रेस्ट रिलैक्स पे रही सुबह आपने दस घंटे काम किया यानी कि आपने स्केयर में काम किया डबल काम किया ठीक है तो वो जो आपकी पाँच घंटे बॉडी रेस्ट पे रही जो आपने काम किया उस हिसाब से आपकी कितनी वेरिएशन हुई ये सारा कुछ हम इसमें फाइंड करेंगे हमने इसमें बता दिया कि कितने फिट वो चली अपने रेस्ट सेक्शन के बाद और वो कितने सेकंड्स उसने जो आपने आपको जो है अनरेस्ट की फॉर्म में रखा तो ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे ठीक है आपकी जो होता है ना मूवमेंट्स हम लाइक आप जो है राइट कर रहे हैं किसी चीज़ पे ये है ना एक पेंसिल आप ये राइट कर रहे हैं आप इस पर फोर्स लगा रहे हो फोर्स लगा रहे हो अब मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज़ का लेवल जो होगा वो मेरे नज़दीक हाई होगा ठीक है अगर मैं बाय ब्लूटूथ बोलूँगी ठीक है बाय ब्लूटूथ बोलूँगी तो मुझे माई उसके माइक को पास रख के बोलना पड़ेगा अगर मैं बाय एयरपोर्ट्स बोलूँगी तो मुझे थोड़ा ऊंची बोलना पड़ेगा क्योंकि एयरपोर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर सके अगर मैं बाई स्पीकर बोल रही हूँ तो मुझे स्पीकर के पास खड़ा होकर माइक के पास खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे हैं तो आपने अक्सर नोट किया है कि अक्सर आपके स्पीकर्स की डायरेक्शन जो होती है आप अक्सर पार्टीज वगैरह पे या स्कूल में कॉलेज में फंक्शन वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि आपके स्पीकर जो होते हैं वो चारों तरफ रखे गए होते हैं वो थोड़े टेढ़े करके रखे गए होते हैं क्योंकि वो टेढ़े इसलिए रखे गए होते हैं क्योंकि हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो इस रुकी जाती है ऐसे करके हमारी फ्रीक्वेंसी सीधी नहीं जाती हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कर्व साइड में जाती है यूं करके थोड़ी कर्व साइड में जाती है तो वो जो कर्व साइड होती है ना उसकी वजह से हमारे जो होते हैं ना स्पीकर्स वैसे रखे जाते हैं और आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे जो स्पीकर जब ऐसे रखे जाते हैं तो हमारे स्पीकर में अक्सर अगर स्पीकर चारों साइड पे हैं यहाँ पे भी स्पीकर है ठीक है यहाँ से भी वेरिएशन आ रही है इधर से भी वेरिएशन आ रही है इधर से भी वेरिएशन आ रही है इधर से वेरिएशन नहीं है तो यहाँ पे एक पीक पॉइंट होगा जहां पे ये चारों वेरिएशन टकराएंगे चारों वेरिएशन टकरा के वापिस जाएंगे तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर स्पीकर की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है तो वो हमारी वेरिएशन की मूवमेंट्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की मूवमेंट है, होते हैं जिसकी वजह से काम होता है ठीक है और ये सारा कुछ मूवमेंट्स पर डिपेंड करता है उनकी मतलब किस तरह मूवमेंट है और ये काम सेकंडों के अंदर होता है वो कितने पॉइंट सेकंड्स होते हैं ये हम भी नहीं जानते हैं क्योंकि हम एक टाइम में एक वर्ड तो नहीं ना बोल रहे होते हम एक टाइम में एक मिनट में पता नहीं कितने वर्ड्स बोल जाते हैं तो वो एक मिनट के अंदर अंदर कितनी दफा फ्रीक्वेंसी टकरा के वापस आती है फिर आकर टकराती है फिर वापस जाती है तो उसकी वजह से वो शोर पैदा होता है अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप फुल वॉल्यूम में गाड़ी में गाने सुनते हैं तो जो बाहर लोग होते हैं उन्हें अंदर से ठा की आवाज़ें आ रही होती हैं लाइक इतना तेज म्यूजिक होता है कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी के अंदर ना वो डम बज भज रहा तो वो जो होता है वो आपकी वेरिएशन फ्रीक्वेंसीज आप उसमें टकरा रही होती हैं उसकी वजह से ये आवाज़ पैदा होती है इसलिए कहते हैं कि अपना वॉल्यूम थोड़ा लो रख के सुनना चाहिए हमारे जो कान होते हैं वो इतनी फ्रीक्वेंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ये सारा कुछ जो आ जाता है ये आ जाता है वेरिएशन में अब डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन की कौन सी एग्जाम्पल्स आ जा जाती हैं ये आप लोग सर्च करेंगे ये आप लोगों की असाइनमेंट है और आप लोग मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने क्या सर्च किया मैंने अभी प्रीवियस वीडियो का भी आप लोगों को एक ही कैब देना है कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सर्च किया था या नहीं सर्च किया था उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की तरफ आते हैं उन्होंने हमें कहा कि हमारी बॉडी रेस्ट पे थी हमने उसका रिलेशन फाइंड करना है रेस्ट बॉडी का उसके टाइम से और हमने उसका जो एयर रेजिस्टेंस है यानी कि जो उसका हवा के साथ रेजिस्टेंस है हमने उसे नहीं लेना हमने से निग्लेक्ट कर देना है क्योंकि अब देखो ना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन के थ्रू भी तो हमें कोई वेव्स मतलब मिल रही हैं तो हमने उस चीज को निगलेक्ट कर देना है हमने उन वेज को निगलेक्ट कर देना हमने सिर्फ उसका टाइम और डिस्टेंस देखना है कि वो क्या था और उसके दरम्यान क्या रिलेशन है तो हम यहाँ पे देखते हैं हमने कहा कि हमारे पास एक डी डिस्टेंस है ठीक है जो बॉडी को फॉल कर रहा है रेस्ट पे ठीक है हमने कह दिया डी डायरेक्टली प्रोपोशनल टाइम्स करके क्योंकि स्केर में है ना रेस्ट जो है ना वो वायडे फॉर्म में दिखता है उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बता देती हूं कि हमने कहा कि डी डायरेक्टली प्रोपोशन टाइम्स करके हमने बताया था कि डायरेक्टली प्रपोशनल को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं के यूज करते हैं जब हमने के यूज किया तो हमने डी ओ के में वैल्यू पता थी हमने वो वैल्यूज पुट की फिर हमारे पास के की वैल्यू आ गई के की वैल्यू हमारे पास क्या आई सिक्सटीन तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे पास सिक्सटीन आया है ना हमने बता दिया है कि हमारे पास जो टाइम कंज्यूमिंग था ठीक है अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि हमारे पास वन कैसे आया था देखो हमारे पास सिक्सटीन फिट से ठीक है सिक्सटीन ही जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू थी टी स्केयर था ये डिवाइड होगा टी स्केयर इज इक्वल टू वन तो टी इज इक्वल टू वन वन सेकेंड आ गया ठीक है ये हो गया और अगर हम लोग डी फाइंड करते हैं तो अगर हम टी की जगह वन पुट करेंगे तो हमारे पास डी सिक्सटीन आ जाएगा तो हमें ये सब कुछ पता चल गया कि हमने वो कैसे फाइंड किया था और ये भी पता चल गया कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या थी हमने कांस्टेंट वैल्यू फाइंड की थी ना रिलेशन बताना था कि कॉन्टेंट कौन सी ऐसी कॉन्सटेंट वैल्यू लगे जिससे हमें पता चल गया कि हमारे पास डिस्टेंस क्या था और हमारे पास टाइम क्या था तो अब हम लोग इसे देखते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि क्या था लेकिन उससे पहले मैं आप लोग एक और एग्जाम्पल लेते चलूँ कि आप लोग अक्सर जो ना आप लोग सुनते हो गए क्या कहते हैं उसे रेडियो आप लोगों ने कभी नोट किया कि आप अक्सर रेडियो में ना जब आप रेडियो कर रहे होते हो तो उसके डिफरेंट चैनल आ रहे होते हैं तो कुछ चैनल के अंदर जो आवाज़ें होती हैं वो बिल्कुल सही आ, आ होती रही होती हैं कुछ चैनल्स पे आवाज़ें खराब आ रही होती हैं वो क्यों खराब हो रही होती हैं क्योंकि आप उसकी फ्रीक्वेंसी एरिया के अंदर नहीं होते अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी के एरिया के अंदर होंगे तो आपको आवाज़ क्लियर आएगी अगर आप फ्रिक्वेंसी एरिया के अंदर नहीं होंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी और आप लोगों ने कभी भी कोई रेडियो वाइड नहीं देखी होगी क्योंकि रेडियो जो है वो बाय फ्रीक्वेंसी काम करता है हवा के ज़रिए ठीक है वो उसका जो वो फ्रिक्वेंसी लेवल होता है वो इस तरह का होता है वो बाय उसके नहीं एंटीना की यूज़ नहीं होता शायद पहले कभी यूज हाँ एंटीना यूज़ होता है वो हम लोग रेडियो कभी एंटीना लगा होता तो है वाई फ्रीक्वेंसी खींचने का एंटीना होता है लेकिन आप लोगों ने कभी नोट किया है कि मतलब आपने रेडियो के साथ कोई वो कनेक्ट की हुई तार और कनेक्ट किया जैसे अक्सर वाईफाई के साथ कनेक्ट होती हैं ठीक है तो उसके साथ कोई तार भी कनेक्ट नहीं होती बस वो एंटीना हम लोग सेट करते हैं और जहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी सही आ रही होती है वहां पे हम लोग जो है सुनने लग जाते हैं तो अब हम अपनी एग्जाम्पल देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है ये देखें उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास डी जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन है टीज के ठीक है मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉन्स्टेंट खत्म करना है तो आप उसके साथ कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालते हैं जब भी उसे इक्वल करना होता है तो हमें डी भी पता है कि डी किसके इक्वल है सिक्सटीन के और हमें ये भी पता है कि टाइम क्या है वन सेकेंड ठीक है जब हम स्केयर लेंगे यहाँ पे सिक्सटीन आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा के वन फिर बाद में हमारे पास यहाँ पे सिक्सटीन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा के तो हमें पता चल गया के इज इक्वल है सिक्सटीन के तो जब हम के की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डी इज इक्वल आ जाएगा सिक्सटीन टी स्केर यह हमें कैसे पता चला क्योंकि हमें उन्होंने रिलेशन बताया था और ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसके थ्रू हमने डिस्टेंस और टाइम फाइंड किया था ठीक है और ये सारा कुछ जो है हमें फार्मूले से पता चलता है हमें डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड करते हैं हम उनका रिलेशन फाइंड करते हैं कि हमें डायरेक्टली वैल्यूज कैसे पता चली हमें ये कैसे पता चला कि ये डायरेक्टली है ये इनडायरेक्टली है ये उसके फार्मूले के हिसाब से पता चलता है कि ये डायरेक्टली है और ये इनडायरेक्टली है इनडायरेक्टली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इनडायरेक्टली को हम इनवर्स भी कहते हैं यानी कि उसका उल्टा हो जाना जब डायरेक्ट है तो वैसे उसका इनवर्स होगा तो फिर इनडायरेक्टली होगा तो आप लोग इन्हें परेशान नहीं होना कि भाई ये क्या मैम तो इनडायरेक्टली बोल रही थी और यहाँ पे हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो वो इन्वर्स को इनडायरेक्टली कहा जाता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जबकि अभी हमारी तीन चार एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट मैथड आना है तो आप लोगों को ज्यादातर समझाने का मेरा ये मकसद है मैंने आपको इतनी सारी एग्जांपल्स दी हैं आप लोगों को रियल लाइफ की तरफ से एग्जांपल्स दी इस दफा मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं ये सारा कुछ एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद हमारे पास ना इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है ये देखें उन्होंने हमें कहा है कि ये फर्स्ट की तरह ही होना है उन्होंने हमें पहले कहा हुआ है कि हमें टाइम फाइंड करना है हमारे पास डी सिक्सटी फोर है ठीक है उसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करना है हमारे पास टी जो है वो थ्री सेकेंड है आप देखें आपके पास जो है वो के सिक्सटीन है ठीक है पहले आपको क्या फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है टी फाइंड करना है और डी आपके पास है सिक्सटी फोर ठीक है सेकेंड में आपको जो है वो डी फाइंड करना है और टी आपके पास जो है वो थ्री है सेकंड ये चीजें फाइंड करनी है इस रिलेशन को यूज करते हुए आप लोगों ने घबराना नहीं है आप लोगों लोग को ये सवाल आ सकता है कि पहले आपको वो कहेंगे रिलेशन फाइंड करो जब आप के एक वैल्यू फाइंड कर ले आप फार्मूले के अंदर पुट करके आपने वहां पे छोड़ नहीं देना आपको वो ये भी बोल सकता है कि आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और डी को फाइन करने वैल्यू पुट करें और टी को फाइंड फाइन और वैल्यूज चेंज करके दे सकता है ठीक है तो अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो इस चीज़ पर घबरा जाते हैं कि ये आगे उन्होंने वैल्यूज क्यों दे दी है इन्हें हमने कैसे फाइन करना है वो इस फार्मूले के अंदर पुट करके उन्होंने फाइन करने के लिए कहा गया होता है ताकि हम लोग उसे ईजिली फाइन कर सकें हम लोग उसे ईजीली जो है ना वो सॉल्व कर सकें वो हमें इसलिए देते हैं हमारा मेंटली टेस्ट लेते हैं कि हमारा दिमाग कितना तेज़ काम करता है भैया मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो दिमाग तो बस दिखा आपका काम करेगा और जिनका तो मैथ फेवरेट है वो तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और जिनका नहीं फेवरेट वो भी मेरे फेवरेट हैं क्योंकि टीचर के लिए हर स्टूडेंट बराबर होता है ये चीज़ मुझे अब जाके समझ आई जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मुझे पता क्या लगता था कि ये टीचर जो है ना इस स्टूडेंट को ज़्यादा अहमियत देता है और हमें इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता लेकिन जब मैं खुद इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे पता चला कि टीचर के लिए सब बराबर होते हैं ये हमारी नज़रें होती हैं जो कैरी होती हैं कि यार टीचर उसे ज़्यादा अहमियत दे रहा है मुझे नहीं दे रहा क्योंकि हम टीचर के सामने वैसा बनते नहीं है जैसे वो स्टूडेंट्स बन दिखाते हैं फिर हमें लगता है कि टीचर हमें इंपॉर्टेंट